हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ पारुल। मेरे चैनल घर संसार में आपका स्वागत है। आज मैं आपको कमजोरी और थकान को दूर करने वाला नुस्खा बनाना बता रही हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाने के बाद ऑल को ऑप्शन दबाना ना भूलें। मैंने खजूर लिए हैं, बिना बीज वाले जो खजूर मार्केट में आते हैं, मैंने उसका यूज करा है। आप बीज वाले भी ले सकते हैं, लेकिन फिर आपको उसके बीज निकालने रहेंगे। इससे आपको किस तरह से खाना है वो तरीका बता रही हूँ, आपको इससे क्या क्या फायदे होंगे वो बता रही हूँ। इसे खाने से आपको किसी भी प्रकार की कोई भी कमजोरी थकान रहती है वो आपके दूर हो जाएगी। जैसे आप सुबह मॉर्निंग में उठते हैं, आपके हाथ पैरों में दर्द रहता है, ऐसा लगता है थकान लग रही है, किसी भी काम को करने में आपका मन नहीं लग रहा है, तो इसे ड्रिंक को आप कम से कम एक हफ्ता पीजिए, उसके बाद इसका रिजल्ट आपको खुद पता चल जाएगा। मैंने सिर्फ दो ही पीस लिए, इससे ज्यादा हमें इसका यूज नहीं करना है। इसे हम जितना बारीक आप इसे कट कर सकते हैं, ये देखिए बस इस तरह से कट कर रही हूँ। बिना बीज का रहता तो आसानी से कट जाता है। आपको जो इसका सूखा वाला आता है, जिसे हम छुआरे खारक बोलते हैं, उसका यूज आपको नहीं करना है। बस ये इसी तरह से गीला वाला ही हमें इसे लेना है। इस तरह से मैं इसे देखिए दोनों को मैंने कट कर लिया है। बस इसी तरह से आपको ये काट कर तैयार करना है। गैस पे मैंने ये सॉस पैन गरम करने के लिए रखा है। इसके अंदर मैं एक कप गाय का, ये देख लीजिए, थोड़ा सा जो इसकी मलाई ऊपर जमती है, हल्के से येलो कलर में जमती है, मैंने ये गाय का दूध लिया। गाय का दूध अगर आपको मिल जाता है तो सबसे बेस्ट है। अगर बाय चांस गाय का दूध आपको नहीं मिलता है तो जो दूध आपके घर में आप उसका यूज भी कर सकते हैं। ध्यान ये रखना है, गैस को देखिए मैंने बिल्कुल लो रखा है। इसे उबालते समय एक बार भी गैस को हमें तेज नहीं करना। दूध एक बार का मैं गर्म कर चुकी हूँ, इसके ऊपर की जो मलाई एक्स्ट्रा रहती है उसे भी मैंने निकाल दिया है। जो हमने ये खजूर को काट के तैयार करें, इसे आप इसमें पूरा डाल दीजिए। बाकी अब हमें कुछ भी नहीं करना है, ना ही इसमें शुगर ऐड करनी है, ना ही कोई भी ड्राई फ्रूट्स ऐड करना है। बस इसी तरह से इसे बीच बीच में आप चलाते जाइए। तो इसे 8 से 10 मिनट, एक गिलास है तो सिर्फ 10 मिनट हमें इसे उबालना है, इससे ज्यादा इसे हमें नहीं उबालना है। बस गैस को बिल्कुल आपको लो रखना है। इसे सभी एज के लोग ले सकते हैं, इसमें एज का कुछ भी नहीं है। अगर आपका बच्चा 7 साल से ऊपर का है, उसे आप आसानी से दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ज्यादा गर्मी के मौसम में इसे आप यूज मत कीजिए, क्योंकि खजूर जो है थोड़ा सा गर्म रहता है। जब फुल पावर की गर्मी चलती है उस टाइम पे इसे आप स्किप कर दीजिए, या फिर इसे बिल्कुल ठंडा करके शेक की तरह भी इसे आप बनाकर पी सकते हैं। अगर आपको शुगर है तो भी इसे आप ले सकते हैं, लेकिन आपकी शुगर जो नॉर्मल रहना चाहिए। अगर आपकी शुगर हाई रहती है तो इसे बिल्कुल भी आप मत लीजिए। मुझे इसे उबालते 10 मिनट का समय हो चुका है। ये देखिए काफी अच्छे से दूध का जो हमारा कलर है बिल्कुल चेंज हो गया है, व्हाइट से बिल्कुल दूध का कलर जो है चेंज हो गया है। बस गैस को मैं बंद कर रही हूँ, इसे मैं इस तरह से ग्लास में डाल रही हूँ। जो पैन में हमारे इस तरह से खजूर नीचे रह गए उन्हें भी आप पूरा इसमें डाल दीजिए। 10 मिनट के अंदर ये देखिए इतना हमारा ये उबल के दूध जो है कम हो जाता है। बस हमें इतना ही कम करना है, इससे ज्यादा इसे हमें नहीं उबालना। 10 मिनट टाइम देख के आपको इसीलिए मैंने बताया कि 10 मिनट में आराम से कम्प्लीट तैयार हो जाता है। सर्दियों का मौसम है तो इसे हल्का जितना गर्म आप पी सकते हैं उतना गर्म इसे आप पी लीजिए। फायदा करेगा, नुकसान ये किसी भी प्रकार से आपको नहीं करेगा। अब आ रही है गर्मियां, तो गर्मियों में इसे आप किस तरह से ले सकते हैं। गर्मियों के मौसम में इसे आप ठंडा कर लीजिए, और ठंडा करने के बाद इसे आप पी सकते हैं। इसे आप सुबह भी पी सकते हैं और रात को सोते समय भी पी सकते हैं, लेकिन बस इसको पीने के बाद आधे घंटे तक आपको पानी का यूज नहीं करना है। इसी चीज का आपको मेन ध्यान रखना है। बाकी बिल्कुल आसानी से सस्ता बिल्कुल दो ही चीजों से हमारा बन के तैयार हो जाता है। इसमें हमने किसी भी प्रकार की कोई भी शुगर नहीं ऐड करी है, क्योंकि खजूर जो है वो ऑलरेडी मीठा ही रहता है, इसीलिए हमने उसका यूज करा है। आप इसे पीजिए, आपको 100% इससे फायदा होगा। बस ध्यान यही रखना है, जब गर्मियां तेज हो जाएंगी उस समय इसे आप स्किप कर दीजिए, या फिर एक दिन दो दिन पीजिए, उसके बाद 2-3 दिन का गैप कर लीजिए, उस तरह से भी इसे आप पी सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, प्लीज कमेंट करना बिल्कुल ना भूले। थैंक यू।